बैगन आलू की सब्जी। आज हमारी पत्नी हमसे नाराज हो गई है, कह रही खुद बनाओ खुद खाओ। तो आज आत्मनिर्भर भारत, हमारा आत्मनिर्भर भारत का काम चल रहा है। आज देखिए आलू ये काटना है, बैगन जो भी पीसेस होंगी बड़ी बड़ी पीसेस काटेंगे, और जब इलाहाबाद में हम पढ़ते थे तब खाना बनाते थे, पत्नियों ने आके हमें बेरोजगार कर दिया। आलू भी हम काटेंगे, देखिए आलू है, एक आलू की मात्र 4 पीसेस करें। ये देखिए बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत बड़े बड़े वीडियो नंबर हूँ। कैसे बनाते हैं कुकर में सब्जी, बैगन की सब्जी कुकर में कैसे बनती है हम आपको आज दिखाएंगे। हाँ इतना दिखाइए, हाँ मेन सेफ की तरफ भी दिखाइए। कुकर हमारा गर्म हो रहा है, सब्जी हमारी कट चुकी है, और आज हम आपको बताएंगे कि कुकर में बैगन की सब्जी कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल देहाती इलाहाबादी स्टाइल, हम लोग जब पढ़ते थे इलाहाबाद में तब बनाया करते थे, और ये आज हम इसलिए बना रहे हैं, हमारी पत्नी हमसे नाराज हो गई है और उन्होंने कहा कि आप स्वयं बनाइए। तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की याद आ गई कि जो है आत्मनिर्भर भारत के निवासी हैं, इसलिए हम स्वयं जो है आज खाना बनाएंगे और आत्मनिर्भर की तरह खाना बना कर खाएंगे। इसमें तेल डाल दिया गया है, हमारा तेल गर्म हो रहा है, और इसमें जीरा थोड़ा सा जीरा, बाद चुटकी भर जीरा डालेंगे। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनने जा रही है आज, और अगर बढ़िया नहीं बनी तो हम अकेले गाड़ी लेके निकल जाएंगे, होटल से खा के आएंगे। वैसे पूरा प्रयास है कि आज बढ़िया, अपने तरफ से सिम नहीं करना चाहिए तुम्हें, हम बना रहे हैं तो फिर हमारे साथ चलो, अपने तरफ से कोई गैस सिम नहीं करेगा, बंद कर दो। अभी हमने काटा है जो बड़े पीसेस में है, एवरेज से थोड़े बड़े हैं, और प्याज भी एवरेज से थोड़ा बड़ा काटा है, और अदरक भी डाल दिए, ब्राउन होने तक ये चलेगा। आज जो हम ये बैगन और आलू बैगन की सब्जी बना रहे हैं, हम इसको हमने नाम दिया है बैगन तंगड़ी। देखिए ये एवरेज से बड़ा कटा हुआ बैगन तंगड़ी बनेगी इसकी, और इसमें सब कुछ हमने थोड़ा एवरेज से बड़ा काटा है, बड़ी बड़ी पीसेस हैं बैगन की, और आनंद आएगा। भी इसको ब्राउन होने तक, लहसुन प्याज हमारा ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे, अभी ब्राउन नहीं हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लगभग ब्राउन हो गई है, थोड़ा सा और 2 मिनट इसको और रेडनेस आने दें, और ये पक गई है, और प्याज हमारा जो है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो है पीसेस बैगन और आलू के पीसेस डालते हैं। आधा पीस डाल दिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि हमारा ऑयल जो है सभी पीसेस में आ जाए। फिर हम बचा हुआ बैगन आलू डालेंगे,
और ये सबसे फास्टेस्ट जो है तरीका है बैंगन आलू की सब्जी बनाने का। और देखते हैं डाल दिए, उसके बाद फिर चलाएंगे। इतना इसमें चला देना है कि जो भी ऑयल है, ये ऑयल सभी पीसेज में बराबर लग जाए, उसका अलग ही एक टेस्ट आएगा। और करके हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। तब तक के लिए हम जो है अब इसमें मसाला की व्यवस्था करते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। टाटा साल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, टाटा नमक देश का नमक, टाटा नमक देश का नमक। बैंगन में थोड़ा कम ही नमक डालना चाहिए, ज़्यादा नमक से टेस्ट में कटौती। हम चला देते हैं, देखिए ऐसे चला दिया। अब एक यूनिक तरीका है, मैं तरफ दिखा रहा हूँ। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। ये अब एक यूनिक तरीका हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ये टमाटर डाल लेना है। अब हमने टमाटर ये ऐसे डाल दिए। अब जो हम इसमें मसाला यूज़ करने जा रहे हैं, एवरेस्ट का मसाला है, ये हमें एवरेस्ट का मसाला इसमें डालते हैं। एवरेस्ट मसाला हो गया, ये हमारी हल्दी पाउडर, ये थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डाला, और ये हमारा यस डाल दिए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें रेगुलर तरीके से नहीं बनाना, स्पेशल तरीका हमारा बनाने का। इसको तो कहाँ है ये, अब हमें इसको बंद कर देना है, इसको निकाल बंद कर देना है। इसमें से दो विशल हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, गैस को धीमी कर देना, धीमी आंच में कर देना है। धीमी आंच में कर देना है और इसकी जो है गैस निकाल देनी है। इस समय तरीके से बंद कर दी कि गैस निकाल देना है। इसको कैसे थोड़ा हमें बता देना है, गैस को ऑन कर देंगे। ठीक है, गैस निकल चुकी है और बहुत ही देखिए बहुत ही इसका शानदार जो है टेक्चर आया। और हम इसे चला देंगे, बहुत ही बढ़िया टेक्चर आया है सब्जी का। बाद हमें कुछ करना नहीं है, हमारी सब्जी पक चुकी है, बहुत ही बेहतरीन सब्जी। देखिए बहुत ही बेहतरीन सब्जी पक चुकी है। अब हमें गैस टेस्ट कर दें, एक है बहुत बढ़िया मस्त सब्जी। और इसमें हम लोग हरी धनिया डाल देंगे। सब्जी बहुत ही बढ़िया पक चुकी है, देखिए टेस्ट, वाह। एक बार हम थोड़ा सा इसको और भी चला दें, हरी धनिया अंदर तक चली जाए। ओके, और उसके बाद फिर और ये बची हुई हम धनिया डाल देंगे।
ध्यान देना है कि ये डंठल धनिया की नहीं डालना है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनी है। और हम इसको अब ये हमारी सब्जी जो है पूरी तरह से तैयार है, बेहतरीन सब्जी। और इस ऊपर टेस्ट करते हैं, वाह मज़ा आ गई, स्टूडेंट लाइफ की याद आ गई। बहुत शुक्र, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारी मेहनत के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।